सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमान चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल रहमान चैनल। आज मैं आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मतलब मुझसे मिलते रहते हैं तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया तू वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है। और बहुत सारे ये लोग पूछते हैं कि भाई तू यूट्यूब से कितना पैसा कमाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था कि भैया जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा था, जो मेरा पहला जो मोबाइल था इससे पहले वाला जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो मोबाइल ख़राब हो गया था। दरअसल उस मोबाइल को मैंने ये ऊपर वाली जो जेब होती है ना यहाँ पे, मैंने उस जेब में वो मोबाइल को रख दिया था। उस मोबाइल को रखने के बाद मैं किसी काम में लग गया और मैं जैसे नीचे झुका ना, वो मोबाइल मेरा ऊपर की जेब से गिर गया। गिरने के बाद और वो मोबाइल जैसे मेरा गिर गया ना, गिरने के बाद वो फर्श जो थी ना वो मार्बल की थी, मतलब मार्बल का जो पत्थर होता ना उसका था वो फर्श। और फिर उसके बाद में वो गिर, फिर उसका पीछे का जो कांच होता है ना, मोबाइल का जो पीछे का कैमरे का कांच होता है, वो कांच टूट गया। टूट जाने के बाद मैं जैसे मोबाइल, अब फिर उसका कैमरा फिर साफ़ नहीं आ रहा था, बिल्कुल बेकार, वो तो ख़राब आ रहा था। फिर उसके बाद में वो कुल मिला जुला के बात यह है कि वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर सोचा कि यार इस मोबाइल से तो वीडियो शूट हो नहीं सकता है, तो फिर मैंने उस मोबाइल को बेच दिया। वो मोबाइल लगभग मैंने 2500 के आसपास मैंने उस मोबाइल को बेच दिया। फिर उसके बाद मैंने ये मोबाइल ख़रीदा जिस मोबाइल से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर मैंने अभी इस मोबाइल को ख़रीदा है। तो मैं इस मोबाइल का डिब्बा भी लेके आया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा ये डिब्बा, A7 सैमसंग का A7 है। इसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं शूट करता तो मैं आपको मोबाइल दिखाता। और ये देख लीजिए इसमें इसके फीचर किधर है, पीछे आप लोग ये देख सकते हैं सामने। ये इसके पीछे जो है ना 3 कैमरे है और बहुत सारे सिस्टम है। आप लोग इंटरनेट में जाकर सर्च करते हैं सैमसंग का A7 में क्या क्या फीचर है। यही बस ये वाला फ़ोन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, हाल फिलहाल अभी मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। और अभी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, और अभी ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी मैं A7 से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है नहीं। उस मोबाइल को बेच के मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है। कुछ पैसे लगे, लगभग 15,000 रुपये लगे। तो मैंने उस मोबाइल को लगभग 2,500 के आसपास बेचा, जो बाकी पैसे जो लगे वो मैंने अपने पास से लगाए। उसके बाद मैंने इस मोबाइल को ख़रीदा है ना। अब दूसरा सवाल कि मैं YouTube से कितना कमाता हूँ। तो भैया देखिए, YouTube से जो कमाने का नियम है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये भी मुझे कहते हैं वीडियो डालना है YouTube में पर वीडियो के हिसाब से पैसे मिलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं नहीं यार पर वीडियो से नहीं मिलते, बहुत सारे बोलते हैं जैसे लाइक मिलेंगे वैसे पैसे मिलेंगे, और बोलते हैं नहीं यार, बहुत सारे बोलते हैं सब्सक्राइबर जैसे बढ़ेंगे वैसे पैसे मिलेंगे। लेकिन भैया मैं आपको बता दूँ कि पर वीडियो के हिसाब से भी पैसे नहीं मिलते, और ना ही लाइक के मिलते हैं, और ना ही कोई सब्सक्राइबर के पैसे मिलते हैं। पैसे जो मिलते हैं YouTube के, जैसे मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया, वीडियो मैंने अपलोड किया, आप वीडियो को चालू करने से पहले जिसमें ऐड चलेगी, एक ऐड चलेगी, वो ऐड जो चलेगी ना उस ऐड का हमें पैसा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को YT स्टूडियो में ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं और कितने पैसे हमें YouTube देता है एक वीडियो के या ऐड के या जैसे व्यूज़ के कैसे कितना। मैं आपको YT स्टूडियो में ले जाके मैं पूरा समझाता हूँ। चलो फिर मैं आपको अपने मोबाइल का YT स्टूडियो में दिखाता हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये है मेरा YouTube का YT स्टूडियो। तो मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए कितने व्यूज़ है, मैं दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है तो आप देख लीजिए, मैं आपको लाइफ टाइम करके दिखाता हूँ। इसमें लाइफ टाइम में है जाके कि 2,200 के आसपास व्यूज़ है लाइफ टाइम। और ये देख लीजिए, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो की कमाई कितनी है। तो हाँ, यहाँ पे आप व्यूज़ देख लीजिए, व्यूज़ है यहाँ पे जाके वापस 2,200 और कमाई है $1 भी नहीं। तो अगर हमें अगर व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं तो अगर 1,000 व्यूज़ पे अगर $1 मिलते तो मेरे $2 बनते, लेकिन $2 भी नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब में जो पैसे मिलते हैं वो व्यूज़ के नहीं मिलते हैं और ना ही लाइक के। तो पैसे जो मिलते हैं हमें वो ऐड के मिलते हैं, जो इसमें एडवर्टाइज लगता है उसके पैसे मिलते हैं हमें। और भी है मेरी सारी वीडियो, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे चैनल में जो है ऐड कम लगाए गए, इसलिए इसमें कम है इनकम। और अब रहा बात कि मैं टोटल पैसा कितना कमाता हूँ, पहली बात कि मेरा तो चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन दरअसल मेरे पास अभी कोई पहला पेमेंट अभी तक यूट्यूब की तरफ से आया नहीं। जब भी मेरा पहला पेमेंट आएगा आप लोगों के लिए, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि मेरे पास कितना पेमेंट आया यूट्यूब की तरफ से। पहला पेमेंट आते ही मैं आप लोगों को वीडियो बना के मैं बता दूंगा आपको कि मैं कितना पैसा यूट्यूब से महीने के हिसाब से कमाता हूँ, पर लेकिन अभी तक मेरा यूट्यूब से कोई भी पेमेंट नहीं आया। तो भैया आप लोग समझ गए होंगे कि हमें यूट्यूब से ना ही पर वीडियो के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और ना ही लाइक के मिलते हैं, और ना ही सब्सक्राइबर के पैसे मिलते हैं। हमें जो यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, जो यूट्यूब में जो हमारी जो वीडियो में ऐड लगाए जाते हैं, उस ऐड के हमें पैसे मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।